लोकेंद्र फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका लोकेंद्र फैमिली ब्लॉग में। और उधर ये चाय बना रहे हैं और मैं देखी सब्जी काट रही हूँ। ये देखो ये सब्जी भी काट रही हैं। देखिए दो आलू, दो टमाटर, दो प्याज, तीन हरी मिर्च ली हूँ। अभी बाबू की टोपी गिर गई इसमें। ये हमारे लिए बना रही है, ये तो व्रत रहेंगे। हाँ इनके लिए बना रही हूँ और मेरा तो व्रत है। तो जल्दी खाना बना लेती हूँ, काम खत्म कर देती हूँ। और आप लोगों को शिवरात्रि की सभी को हैप्पी शिवरात्रि आप सबको। और आगे खाना वाना बना ले, फिर जल्दी जल्दी काम खत्म कर दे, फिर पूजा वूजा करने जाएंगे। और उससे पहले तो चाय भी नहीं पी जाते हम लोग, चाय भी हाँ बाबू भी जाएंगे पूजा करने। बोले बाबा ने को आशीर्वाद लेगा बाबू, तो बाबू को थोड़ी बुद्धि दे देंगे। बोले बाबा आज तो वैसे ही भीड़ है वैसे मंदिर में भी। हाँ हमारे यहाँ भगवान नहीं है ना तो सुनाई देता। 5 बजे से ठंडा वो भी धनिया पत्ती देगी, कितनी ताजा ताजा है। अब इसको मैं जल्दी से सब्जी छोक दे, सारा छील ली हूँ, खाला काटना काटना रहेगा, धो के काटना काटना है। और सब्जी भी चढ़ा दूँ साथ में, कढ़ाई भी छोकती हूँ बाबू, क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसे ही होता है। और कौन आया हमारे घर पर? इसके इनके पापा जी। हाँ मेरे पापा जी भी आए घर पे, कल आए थे, बहुत रात में आए, इसीलिए रात नहीं दिखाई। और रात वीडियो भी छुट्टी करी थी, पापा ने खाना वाना बनाया और मशीन भी लगाई थी, मैं तो कपड़े धोते वो मेरे पापा नहीं मेरे पापा बाहर। ये देखिए हमने कर ली चाय, चाय और नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। गर्मा गर्म चाय मैं पीऊंगी इनके लिए, मेरा बंदी जाए उसके लिए, और मेरे पापा के लिए जी रस नमकीन भी है। चलो नाश्ता करने चलते हैं, मेरा है। फाड़ते हैं जी फटाफट, बन रही है आलू की सब्जी, झटपट बनने वाली। मेरे को लग रहा है ये 10-15 मिनट ही लगी इसको बनने में, 10-15 मिनट में पूरी सब्जी बना के रख देंगे जल्दी। और टमाटर तो आपको दिख ही रहे हैं देखो, और ये मसाला भी डाल दिया, मतलब ज़्यादा तीखा मत करना भाई। वाओ मतलब दिखने में तो बड़ी टेस्टी से दिख रहे हैं। हाँ जीरा नहीं डालना, जल्दी में ही वो प्याज डाल दी हुई इस चक्कर में, मुझे नहीं चक्कर में ना अब तो घर पे मेहमान आ जाते हैं तो काम तो हो ही जाता है ना। और ये वो कपड़े धोने की मशीन भी लगाई थी उन्होंने, अभी मैंने ढक के रख दी उसको। रात कपड़े भी बहुत सारे थे, मतलब हमारे 10-12 दिन के एक ही बार धोती है ये। रोटियों की भी तैयारी होने लगी देखो, आटा गूंद करके देंगे जब भी जो भी खाएगा गर्म गर्म जब बनाएंगे। ये देखो नीतू ने बना डाला और देखो खून, वाह क्या खाया मैंने, ऐसा खून हो रहा है, ओट फट गया मेरा बहुत ही, देख कितना खून निकल रहा बाबू रे। हवा से ना ओट फटने लग रहे हैं अब इनके, बहुत ही दर्द हो रहा है सच्ची बता रही हूँ। देखिए सब्जी बना के रख दी, आटा गूंद के रख दी हूँ, बर्तन भी धो दी सारे, सिलाफ भी साफ कर दी, रोटी पापा मैंने कर रहे थे, तो जब खाएंगे जब ही बनाऊंगी मैं। अब वो करती हूँ झाड़ू पोछा, फिर बाबू को नहलाऊंगी, फिर खुद नहाऊंगी, जब फिर पूजा की तैयारी करूँ, वही बच जाएंगी 12 पूजा कर तैयारी करते करते, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जाओ नहा लो वही पूजा कर लो। अब हम लेट सो तो होता है ना, घर का काम पहले ख़त्म करो फिर बच्चों का करो, जब लास्ट में जाके नहाने मिलता है जब देखो फिर से खून नहीं बंद हो रहा है वो। देखिए पोछा पोछा लगा ली मैं और बच्चों सब कुछ कर ली, खाली पानी भी गर्म हो गया, बाबू को नहलाने जा रही हूँ और बाबू के बाद फिर मैं नहाऊंगी, फिर जाएंगी पूजा करने। जल्दी कब हो गया? 9:30 बजे, लेकिन वही टाइम हो जाए बाबू को नहलाएंगे, सबसे ज़्यादा बाबू का टाइम लग जाता है। और फिर अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, कल भी ब्लॉग बनाए थे ना इसलिए सुबह सुबह बना कर डाल दे रहे हैं। अब आज बनाएंगे कल लेगा ब्लॉग है ना, और साड़ी पहनेंगे हम। अगला ब्लॉग देखना मत भूलना, और मंदिर में भी जाएंगे, मंदिर भी दिखाएंगे, भगवान जी के दर्शन भी कराएंगे, वैसे तो सब लोग करेंगे ही यार, और फिर भी एक्स्ट्रा वाले भी ब्लॉग में कर लेना। और मिलते हैं हैप्पी शिवरात्रि सबको।
हमारी पूरी फैमिली की तरफ से भगवान सबको खुशी दे, हमको भी दे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय। हमारी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।